हेलो फ्रेंड्स, तो आई होप यू ऑल आर वेल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रंगनाथन स्पाइरल साइंटिफिक मेथड। इस टॉपिक को हम लोग डिटेल वाइज डिस्कशन करेंगे और इस टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो भी हम लोग देखेंगे। और ये जो टॉपिक है यूजीसी नेट के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे यूजीसी में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो हम लोग उसको लास्ट में देखेंगे कि किस टाइप के इससे क्वेश्चन आते हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है, तो देखते हैं इसको। बट टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, इससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। अब देखिए, सबसे पहले जो स्पाइरल मेथड है, स्पाइरल ऑफ साइंटिफिक मेथड रंगनाथन जी के द्वारा दिया गया था। ये रिसर्च मेथड का टॉपिक है। रंगनाथन जी का कहना था कि जो रिसर्च का जो प्रोसेस है वो एक एंडलेस प्रोसेस है, ये एक स्पाइरल की तरह चलता रहेगा जो कभी इसका एंड नहीं हो सकता। उन्होंने बताया कि जो सबसे पहले क्या हुआ कि देखिए, यहाँ से जब कोई भी रिसर्च प्रोसेस होता है कभी भी खत्म नहीं हो सकते, कि एक साइंटिस्ट ने जब रिसर्च कर दिया तो कभी ना कभी कोई दूसरा साइंटिस्ट क्या करेगा, उसमें कुछ और नियम लगा के या तो उसको और भी मॉडिफाई कर सकता है। तो रिसर्च कभी भी एंड नहीं हो सकता किसी टॉपिक को लेके। तो यहाँ पे रंगनाथन जी ने एक स्पाइरल मेथड के द्वारा इस चीज को समझाने की कोशिश की है। उन्होंने इसको चार पार्ट्स में बांटा है, जिसको क्वाड्रेंट फर्स्ट, क्वाड्रेंट सेकंड, क्वाड्रेंट थर्ड एंड क्वाड्रेंट फोर्थ बोला जाता है। सबसे पहले जो हमारा आएगा नादिर, उसके बाद एस्केडेंट, फिर जेनेथ, फिर डिस्केडेंट। नादिर से जो एस्केडेंट तक जब हम जाएंगे तो उसको एम्पिरिकल फेज बोला जाता है। एस्केडेंट से जब जेनेथ तक जाएंगे उसको हाइपोथेसिंग फेज बोला जाएगा। जेनेथ से डिस्केडेंट तक डिडक्टिव फेज और डिस्केडेंट से नादिर तक वेरिफिकेशन फेज। अब देखिए, सबसे पहला जो हमको देखना है कि स्पाइरल मेथड में रंगनाथन जी ने चार लॉज बताए हैं, फंडामेंटल लॉ, डिड्यूस लॉ, नादिर फैक्ट, इम्पीरिकल लॉज। फंडामेंटल लॉज जो है आपका जेनिथ को रिमार्क करता है। फिर ना, हाँ, अगर आपसे पूछा जाए कि फंडामेंटल लॉज किस साइंटिफिक ऑफ स्पाइरल ऑफ साइंटिफिक मेथड में जेनिथ जो है किसको रिमार्क करता है, तो फंडामेंटल लॉज को। अगर आपसे पूछा जाए स्पाइरल ऑफ साइंटिफिक मेथड में फैक्ट्स किसको रिमार्क करता है, तो नादिर को। अब देखिए, उसके बाद ये कुछ एक्टिविटीज हैं, ये आपको इसके बाद समझ आएंगी। इसको देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ तक समझा कि रंगनाथन जी ने इसको चार क्वाड्रेंट्स में बांट दिया है। स्टार्टिंग से नादिर से स्टार्ट होता है, नादिर, एस्केडेंट, जेनेथ, फिर डिस्केडेंट। इम्पीरिकल फेज में क्या होता है, इम्पीरिकल फेज में हम कहीं से भी अपने डाटा को क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं रिसर्च करने के लिए। डाटा हमारा क्वालिटेटिव भी हो सकता है, क्वांटिटेटिव भी हो सकता है। हमने डाटा को अरेंज कर लिया, डाटा को ऑब्जर्व कर लिया, क्या करने के लिए, रिसर्च करने के लिए। फिर इसके बाद हाइपोथेसिंग फेज में क्या होगा, हम डाटा को क्या करेंगे, एक टेबुलर फॉर्म में अरेंज करेंगे, एनालाइज करेंगे डाटा को, उसके सीक्वेंस में क्या कर देंगे, अरेंज कर देंगे। क्वाड्रेंट थर्ड में क्या करेंगे, हम उसमें कुछ रूल्स अप्लाई करेंगे ताकि क्या हो सके, हमारा रिसर्च का प्रोसेस आगे हो सके, मॉडिफाई हो सके। उसमें हम कुछ अपना रूल्स लगाएंगे, जो भी मैथमेटिकल लॉजिक फॉर्मूला जो भी है वो सारे हम क्या करेंगे, रूल्स लगाएं। उसके बाद हमने जो क्वाड्रेंट थर्ड में डिडक्टिव फेज में जितने भी रूल्स अप्लाई किए हैं और जो भी हमारा रिसर्च का रिजल्ट आ रहा है उसको हम क्या करेंगे, क्वाड्रेंट फोर्थ में वेरीफाई करेंगे। तो ये हमारा वेरिफिकेशन फेज। तो यहाँ पे जो सबसे पहले नादिर में क्या होगा, हम फैक्ट्स कलेक्ट कर रहे हैं। फिर उसके बाद क्या होगा कि जो भी हमारा जेनेथ तक में क्या होगा कि हम जितना भी हमारा फंडामेंटल लॉज है वो अप्लाई करेंगे। तो ये हमारा रिसर्च साइंटिफिक मेथड, जिसमें रंगनाथन जी ने स्पाइरल मेथड में चार क्वाड्रेंट्स में बांटा है। स्टार्टिंग नादिर से होता है, नादिर, एस्केडेंट, जेनेथ, डेस्केडेंट। क्वाड्रेंट फर्स्ट में इम्पीरिकल फेज आता है, जिसमें हम क्या करते हैं, डाटा को कलेक्ट करते हैं। क्वाड्रेंट सेकेंड में हम क्या करते हैं, डाटा को टेबुलर फॉर्म में एक सही सिक्वेंस में अरेंज करते हैं। क्वाड्रेंट थर्ड में हम क्या करते हैं, रूल्स को अप्लाई करते हैं। क्वाड्रेंट फोर्थ में हम उसको वेरीफाई करते हैं। और ये प्रोसेस क्या होता है, चलता रहता है, चलता रहता है। इसी को हम बोलते हैं रंगनाथन स्पाइरल ऑफ साइंटिफिक मेथड। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, क्योंकि मैंने बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है। अगर फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहेगा तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के वहाँ पे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा। तो अब आगे देखिए, इसमें जो हमारी कुछ एक्टिविटीज है, जैसे सबसे पहले जो क्वाड्रेंट फर्स्ट है जो नादिर से एस्केडेंट जाता है, उसमें हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। फिर क्वाड्रेंट सेकेंड में जो एस्केडेंट से जेनेथ जाता है, उसमें हम क्या करते हैं, एब्स्ट्रैक्शन करते हैं, जनरलाइज करते हैं डाटा को। क्वाड्रेंट थर्ड में क्या होगा, जेनेथ से जो डिस्केडेंट तक जाता है, हम उसमें जो भी हमारा
एक्टिविटीज है उसको अब्स्ट्रैक्शन करेंगे, सब्लिमेशन करेंगे, जब हम उसको रूल्स अप्लाई करते हैं क्वाड्रेंट फोर्थ में, जब डेस्केडेंट से नादिर तक जाएगा तो हम उसको क्या करेंगे, वेरीफाई करके जो हमारा रिजल्ट आता है वो पूरा प्योरीफाई होके आता है, मतलब अब क्या होता है रिसर्च प्रोसेस में जो हमारा डाटा है वो एक सही तरीके से मैनेज होके आता है, तो कॉन्क्रीटनेस, डिडक्शन, एक बुद्धियात्मक क्या होता है हमारा रिजल्ट आता है, तो इंटेलेक्ट। ये हमारी एक्टिविटीज है जो हमने चारों क्वाड्रेंट में की है। ये हमने रंगनाथन्स का स्पाइरल मेथड का पिक्चर देखा, इस टाइप का उन्होंने ये मेथड बताया था। उसके बाद जो है हमको ये देखना है कि देखिए नौ एन ए नादिर से लेके एस्केडेंट तक जो हमारा प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है वो साउथ वेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, साउथ वेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, इसमें हमारा एम्पिरिकल फेज आ रहा है। फिर ए टू जेड, ए से लेके एस्केडेंट से जेनिथ तक जो हमारा नॉर्थ वेस्ट, ये हमारा हाइपोथेसिंग फेज हो गया। जेनिथ टू डिस्केडेंट नॉर्थ ईस्ट, ये हमारा डिडक्टिव फेज हो गया। उसके बाद डेस्केडेंट टू नादिर साउथ ईस्ट, ये हमारा वेरिफिकेशन फेज हो गया। स्पाइरल मेथड में अगर पूछा जाए आपसे कौन कौन से कार्डिनल स्टेजेस होते हैं, तो चार कार्डिनल स्टेजेस होते हैं, नादिर, एस्केडेंट, जेनिथ और डेस्केडेंट। अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पे क्वाड्रेंट फर्स्ट में कौन कौन सा आता है, तो क्वाड्रेंट फर्स्ट में नादिर एस्केडेंट, क्वाड्रेंट सेकंड में एस्केडेंट टू जेनिथ, क्वाड्रेंट थर्ड में जेनिथ टू डेस्केडेंट, क्वाड्रेंट फोर्थ में डेस्केडेंट टू नादिर। अब देखिए क्वाड्रेंट फर्स्ट में क्या हुआ, क्वाड्रेंट फर्स्ट जो एम्पिरिकल फेज में आपको मैंने आपको बताया, इसमें क्या हम करेंगे, डाटा को कलेक्ट करेंगे, डाटा को हम लोग अलग अलग मीटर से, अलग अलग कहीं से भी स्कोप से, हमको जहां से डाटा मिले हम क्या करें कि उसको कलेक्ट कर लेंगे। फिर हाइपोथेसिंग फेज में मैंने बताया इसको हम डाटा को टेबुलर फॉर्म में अरेंज करेंगे, सही तरीके से उसको क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे, टेबुलेटेड क्लासिफाइड करेंगे। फिर डिडक्टिव फेज में क्या करेंगे, हम उसमें रूल्स को अप्लाई करेंगे। फिर वेरिफिकेशन फेज में क्या करेंगे, हम लोग उसमें जितने भी डिड्यूस्ड फेज में हमने जितने भी लॉज लगाए इसमें वेरीफाई करेंगे। तो ये सब जो भी लिखा हुआ है आप इसमें आप लोग पढ़ लीजिएगा, और कोई भी डाउट होगा तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कर सकते हैं। उसके बाद जो है हमसे इस टॉपिक से क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है, क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट ये पूछा जाएगा कि डिस्केडेंट टू नादिर को क्या कहा जाता है, तो वेरिफिकेशन फेज, जेनिथ टू डिस्केडेंट फेज को क्या कहा जाता है, तो डिडक्टिव फेज, नादिर टू एस्केडेंट को क्या कहा जाता है, तो एम्पिरिकल फेज, एस्केडेंट टू जेनिथ को क्या कहा जाता है, तो हाइपोथेसिंग फेज। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, आपको यहाँ पे बताना है कि ये चार क्वाड्रेंट पीएमएस को सही ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। तो देखिए इसका जो सही ऑर्डर है वो पहले है नादिर, उसके बाद हमारा आता है एस्केडेंट, फिर जेनिथ, फिर डिस्केडेंट। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इसमें जो है आपको सही कोड इन सबको सही वे में अरेंज करना है। तो हमारा क्या था इसमें, सॉरी इसमें को सही वे में अरेंज करना है, तो सबसे पहले हमारा नादिर और उसके बाद हमारा एस्केडेंट, फिर जेनिथ, फिर डिस्केडेंट। तो इसका जो हमारा आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको पूछ रहा है कि इन स्पाइरल साइंटिफिक मेथड में जेनिथ क्या मार्क करता है, तो जेनिथ जो हमारा ये फंडामेंटल लॉस को बताता है, तो ये आपको याद रखना है कि जेनिथ क्या मार्क करता है, फंडामेंटल लॉस। फिर आपसे क्वेश्चन नंबर फोर्थ में पूछ रहा है इन स्पाइरल ऑफ सेंटिमिक मेथड द स्पैन ऑफ जेनिथ टू डिस्केडेंट ये कौन सा बताता है फेज, तो जेनिथ टू डिस्केडेंट हमारा क्वाड्रेंट थर्ड हो गया और ये जो है हमारा डिडक्टिव फेज बताता है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखिए आपको इस तरीके से मैच द फ्लोविंग में भी क्वेश्चन इसका आता है, नादिर टू एस्केडिंग टू जेनिथ, फिर जेनिथ टू डिस्केडिंग, डिस्केडिंग टू नादिर, हाइपोथेसिंग, वेरिफिकेशन, डिडक्टिव और एम्पिरिकल। तो देखिए इसमें आपको पता होना चाहिए कि कौन किसका क्वाड्रेंट का है, तो नादिर टू एस्केडिंग को हम लोग बोलते हैं एम्पिरिकल फेज, एस्केडिंग टू जेनिथ को हम लोग बोलते हैं हाइपोथेसिंग फेज, जेनिथ टू डिस्केडिंग को हम लोग इसको हम लोग बोलते हैं डिडक्टिव फेज, और डिस्केडिंग टू नादिर को हम लोग वेरिफिकेशन फेज बोलते हैं। तो वेरिफिकेशन का आपको पूरे अच्छे से ये चार्ट तो आपको डेफिनेटली याद होना चाहिए, सबसे पहले तो ये वाला। देखिए ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर आप लोग एमलिस का एग्जाम भी दे रहे होंगे तो उसमें भी ये टॉपिक आता है कि रंगनाथन स्पाइरल साइंटिफिक मेथड के बारे में मतलब आपको एक्सप्लेन ब्रीफली या कैसे भी आपको क्या करना है एक्सप्लेन करना है, तो उसमें भी आपका ये जो समझा रहेगा तो आप अपने लैंग्वेज में भी क्या कर सकते हैं आंसर कर सकते हैं। तो चाहे आप एमलिस का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप कोई कॉम्पिटिशन का एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप यूजीसी नेट का तैयारी कर रहे हो, तो ये टॉपिक क्या है कि एवर ग्रीन टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आता ही है, तो इसको एकदम अच्छे से समझ लीजिएगा।
पिक्चर मैंने, इसका जो मॉडल है ये मैंने अच्छे से बता दिया है कि यहाँ पे नादिर से स्टार्ट हो रहा है एस्केडेंट, फिर जेनिट, डिस्केडेंट, ये एम्पिरिकल, ये हाइपोथेसिंग फेज, डिडक्टिव, वेरिफिकेशन फेज। यहाँ पे हम डाटा कलेक्ट करेंगे, यहाँ पे हम डाटा को एज्यूम करके टेबुलेटेड फॉर्म में करेंगे, यहाँ पे हम लॉज अप्लाई करेंगे, यहाँ पे हम वेरीफाई करेंगे। और यही हमारा यहाँ पे, इसमें चार टाइप के लॉज लगे हुए हैं, ये हमारी एक्टिविटी है। फिर उसके बाद इसमें चार कार्डिनल स्टेजेस होते हैं। फिर उसके बाद जेनिथ कौन सा मार्क करता है, जेनिथ फंडामेंटल लॉज बताता है, नादिर कौन सा क्या बताता है, तो नादिर फैक्ट्स बताता है। तो ये था हमारा स्पायरल ऑफ साइंटिफिक मेथड। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हंसते रहेगा, पढ़ते रहेगा, और चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू।